ओम गणेशाय नमः। आज हम कार्तिक महात्म्य का छठा अध्याय सुनेंगे। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल बटन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। बोलो गणेश भगवान की जय। नारद जी बोले कि जब दो घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी जी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक में जहां कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य लगता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य बाबड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना झरने में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक में स्नान नदी पे करने से प्राप्त होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो पुण्य की तो कोई सीमा ही नहीं। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ आचमन आदि देना चाहिए। अर्घ मंत्र इस प्रकार है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलशायी भगवान आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्घ को आप ग्रहण करें वैकुंठ प्रयाग तथा बद्रीनाथ में। जहां कहीं भगवान विष्णु गए वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाले फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात विष्णु शिव और सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर और विधवा स्त्री यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी अमावस्या, नवमी त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते समय निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया है वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसकी इंद्रादि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसीलिए वह मुझको पवित्र करे। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और समस्त औषधियां बा तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता ऋषि मनुष्यों तथा पितरों को विधिवत तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत वर्ती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद वर्ती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों के सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दिए पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद का और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा
रखने वाले मनुष्य को इनका ना तो अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए, और फिर एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए कि हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल में तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।